एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं, जो कि आपका क्लास 10 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल से लिया गया है। क्वेश्चन में बोला गया है आपको कि 10 स्टूडेंट्स जो क्लास 10 से हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं मैथ्स क्विज में। अगर नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो हैं नंबर ऑफ़ बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स और नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने कितने होंगे। तो सबसे पहले से हम आप क्या करेंगे, गर्ल्स को x मान लेंगे और बॉयज़ को y मान लेंगे, कुछ इस तरह से। अब देखिए नंबर ऑफ़ गर्ल्स आपकी x हो गई जबकि नंबर ऑफ़ बॉयज़ आपके y हो गए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो हैं आपकी वो नंबर ऑफ़ बॉयज़ से कितनी ज़्यादा हैं, 4 ज़्यादा हैं। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं वो क्लास 10 से कितने लिए गए हैं, 10 लिए गए हैं। तो आपका x प्लस वाई जो हो जाएगा वो कितना रहेगा, वो 10 रहेगा, इक्वेशन 2। अब आप इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। दोनों हमारे, अब देखिए x प्लस का है और ये x माइनस का है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, जबकि माइनस का y और माइनस का y मिलकर के हमारे माइनस के 2y बन जाएंगे, और यहाँ से आपका प्लस का 4 माइनस के 10 तो हो जाएगा हमारा माइनस के 6। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका y निकल करके आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 6 को तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरह से आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर देंगे y की, इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन सेकंड में, ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, किसी में भी कर सकते हैं। तो पुट y इक्वल्स टू 3 in 1, मैं फर्स्ट में कर रहा हूँ। वी गेट x माइनस और y है आपका 3 इक्वल्स टू आपका 4। अब देखिए x माइनस 3 इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, और माइनस का 3 जोड़ जा करके प्लस का 3 हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 7। इस तरह से नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो आपकी 7 थी जबकि नंबर ऑफ बॉयज़ जो थे आपके वो 3 थे। अगर आप इसको ज्योमेट्रिकली सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर पॉइंट बनाने होंगे जिनको आप अपने ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं। उससे भी आपका आंसर जो निकल करके आएगा वो आपका x इक्वल्स टू 7 और y इक्वल्स टू 3 ही आएगा। देखिए इक्वेशन फर्स्ट के लिए देख लेते हैं, x की वैल्यू निकालने के लिए अगर हम y की वैल्यू 0 रखते तो ये तो 0 हो जाएगा और x वैल्यू हमारी 4 आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं y अगर 0 है तो x हमारा 4 है, और अगर हमारा x 0 हो जाता है तो y हमारा क्या जाएगा, माइनस 4 आ जाएगा, क्योंकि देखिए x 0 है तो ये तो खत्म हो गया। अब माइनस y इक्वल्स टू 4 तो y इक्वल्स टू माइनस 4। अब देखिए दूसरी इक्वेशन के लिए देख लेते हैं, अगर मैं y की वैल्यू 5 रख देता हूँ तो ये 5 RHS में जा करके 10 में से माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू कितना बचेगा, 5 बचेगा, x इक्वल्स टू भी आपका 5 बचेगा। और देखिए अगर मैं y इक्वल्स टू 10 रख देता हूँ तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो x इक्वल्स टू 0 बचेगा। तो अगर y इक्वल्स टू हमारा 10 है तो x इक्वल्स टू हमारा 0 होगा। अब इन पॉइंट्स को हम अपने ग्राफ में प्लॉट कर देंगे जिससे हमारी वैल्यू निकल करके y इक्वल्स टू 3 आ जाएगी और x इक्वल्स टू 7 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। देखिए इस क्वेश्चन में दे रखा है कि 5 पेंसिल्स और 7 पेन की जो कॉस्ट है वो 50 रुपीज़ है, जबकि 7 पेंसिल्स और 5 पेन की जो कॉस्ट है वो 46 रुपीज़ है। तो आपको कैलकुलेट करनी है एक पेन और एक पेंसिल की कॉस्ट। इसमें आप क्या करेंगे, 1 पेंसिल की कॉस्ट x मान लेंगे और 1 पेन की कॉस्ट y मान लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल्स टू x एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल्स टू y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पहले केस में 5 पेंसिल और 7 पेन दे रखें, तो ये हो जाएगा आपका 5 पेंसिल्स प्लस 7 पेन, इनकी कॉस्ट बताई गई है 50 रुपीज़, जबकि 7 पेंसिल्स और 5 पेन की जो कॉस्ट बताई गई है वो 46 रुपीज़ बताई गई है। देखिए अब आप क्या करेंगे, इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हैं, या तो x को सेम करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं या फिर y को सेम करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसमें सिंपली आप क्या करेंगे, कोई भी एक सेम कर लेंगे। मैं यहाँ पर x सेम करने जा रहा हूँ, तो अगर मुझे x सेम करना है तो क्या करना होगा,
इस वाले इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, जबकि इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि 7 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दो 7 5 35 हो जाएगा और ये आपका 5 7 35 हो जाएगा। तो देखिए मैंने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया है 7 से, जबकि इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया है 5 से। तो उसके बाद में हो जाएगा, तो इसको आप साइन चेंज कर लेंगे, माइनस माइनस माइनस, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 49y का प्लस है, 49y प्लस का है, 25y माइनस का है, तो ये बचेगा हमारा 24y। अब देखिए 350 में से 230 गए तो कितना बचा, 120 बचा। 24 से 120 5 टाइम्स जाता है, तो y इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। अगर आप y की वैल्यू 5 इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, अब देखिए आप क्या करेंगे, इसमें y की वैल्यू 5 इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे तो आपकी x वैल्यू आ जाएगी जो कि 5x प्लस 7 इंटू 5 इक्वल्स टू आपका 50 है। इस तरह से 5x इक्वल्स टू 50 में से 35, 5 से 35 हो रही, 35 उधर जा करके माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 15 बचेगा, जो कि आपका निकल करके क्या आएगा। अब देखिए 5 से ये 15 चला जाएगा 3 टाइम्स, तो आपका x आ जाएगा इसमें 3 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इक्वल्स टू 3 है और कॉस्ट ऑफ वन पेन इक्वल्स टू 5 है। अगर ग्राफिकली करना है आपको तो इसके पॉइंट निकाल लेंगे। अब देखिए x अगर हमारा 10 है, इक्वेशन फर्स्ट के लिए देख रहे हैं, अगर x की वैल्यू 10 रख देते हैं तो देखिए 10 5 से 50, 50 से 50 कट जाएगा, तो y इक्वल्स 7y इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू भी 0 हो जाएगा। अब देखिए y इक्वल्स टू मैं इसमें 10 ले लेता हूँ, तो 7 10 तो 70 हो जाएगा और 70 उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो प्लस का 50 माइनस के 70, तो माइनस के 20 बचेगा, 5x इक्वल्स टू माइनस 20, तो x इक्वल्स टू माइनस 4। इक्वेशन सेकंड में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 रख देंगे तो हमारा y कितना आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। अब 5 से डिवाइड करेंगे, 5 9 45 और 5 2 10, तो ये हमारा 9.2 आ जाएगा। अगर हम इसमें x की वैल्यू 7 रख देते हैं तो 7 7 49 हो जाएगा और 49 उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो प्लस के 46 और माइनस के 49, तो प्लस के 46 में से माइनस के 49 चले जाएंगे, तो कितना बचेगा, माइनस का 3, और 5 से डिवाइड करेंगे माइनस 3 को, तो 0.6 आएगा माइनस का। इस तरह से हमारे पॉइंट्स मिल जाएंगे दोनों इक्वेशन के, जिनको हम ग्राफ पर प्लॉट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। जो भी चैनल पर नए हैं वो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर।